जयपुर के मानसरोवर स्थित पार्क में नगर निगम की लापरवाही के चलते 10 साल के एक बच्चे की मौत के मामले में भाजपा के विधायक अशोक लाहोटी ने नाराजगी जताई और गुरुवार को नगर निगम पहुंचकर कार्यवाहक महापौर के सामने गुहार लगाई। इस प्रकार से ये घटना हुई है, मैं समझता हूं कि ये पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर, पूरे नगर निगम पर, इनके अधिकारियों पर, सबको एक बहुत बड़ा कलंक है। इस प्रकार से एक बच्चे की जान चले जाना करंट से, और जयपुर महानगर में, राजधानी में, सबके लिए शर्मनाक स्थिति है। आज उस जगह की जानकारी जो मैंने भी ली है पूरी, वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ के पार्षद ने, वहाँ के LI को, वहाँ के जो AN है उनको, सबको व्यक्तिगत रूप से और जगह दिखाकर इसकी जानकारी दी। उसके बावजूद भी वहाँ पर फोन उठाने बंद कर दिए गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जिस प्रकार से बच्चे को करंट आया, मैंने भी आज यहाँ पर ज्ञापन देकर कहा है, तीन मुख्य रूप से हमने मांगे रखी है। नंबर एक, वहाँ के LI और जो AN है उनको सस्पेंड किया जाए। दूसरा, इन सभी पार्कों में जो ये सारी चीजें हैं इनको ठीक करवाया जाए, संबंधित फर्म की जो लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और मृतक परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, चाहे नगर निगम दे, चाहे जिला प्रशासन दे, चाहे राज्य सरकार दे, या फिर इनकी अनुशंसा पर उस फर्म के पेमेंट में से पैसा काट कर 5 लाख रुपए का मुआवजा मृतक परिवार को दिया जाए। ये तीनों मांगे यदि नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में इस चीज के लेकर हम सभी लोग मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे और ये तीनों मांगे मनवा कर रहेंगे। दोषियों पे हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मैंने लिखा है, मैंने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल लापरवाही का नहीं, ये गंभीर आपराधिक मामला है। जो भी नियमानुसार इनके खिलाफ सस्पेंड करके इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, यदि हत्या का मुकदमा दर्ज हो तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी लापरवाही से हुई है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि कोई बच्चों ने गलती की हो। पार्क में बच्चे खेलते हैं, बड़े लोग भी जाते हैं, यदि कोई तार हम खुला छोड़ दे करंट लगाने के लिए तो ये बिल्कुल हत्या करने जैसा ही मामला है। और मैं राज्य सरकार से और नगर निगम प्रशासन से मांग करूंगा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। अशोक लाहोटी ने संबंधित LI और JN को बर्खास्त करने की मांग की, साथ ही हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग की। निगम में आज जिस तरह की दुर्घटना हुई है, मैं अंतः मन से हिल गई हूँ। इतना मुझे आघात लगा है, एक महिला होने के नाते या निगम के मुखिया होने के नाते मैं बहुत विचलित हूँ। सुबह से ही हम लोग, कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई थी, हम लोग इसमें जांच करने में लग गए, कमिश्नर साहब कर रहे थे, लाहौटी जी का भी फोन आया, इन्होंने आने के लिए कहा, मैंने कहा आप बिल्कुल आइए, ये चुप बैठने का टाइम नहीं है। हमें जयपुर के जनता को एक मैसेज देना है, एक दुख की घड़ी में हम पूरा नगर निगम, क्या पूरा जयपुर उनके साथ है। इन्होंने, आदरणीय विधायक जी ने जो मांगे रखी है वो हमने सभी स्वीकार कर ली है। जहां तक आर्थिक सहायता की बात है, हम पूरी तरह से जिन भी सोर्सों से हमारा हो सकेगा, इन्होंने 5 लाख का है, हम कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनको मुआवजा पहुंचाए। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ सबकी तरह से, ऐसे दुख की घड़ी में हम ईश्वर उनको बहुत हिम्मत प्रदान करे। और मैं भी, आप जाए के मौत, हाँ, तो मैं भी इनके साथ उस परिवार को साथ में देना चाहूंगी और ईश्वर से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। नगर निगम की ओर से बच्चे की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। कार्यवाहक मेहर शील दवाई ने कहा कि बच्चे की मौत का उन्हें भी दुख हुआ है और उस बच्चे के परिजनों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाएगा। जयपुर से ETV भारत के लिए रमेश टांक।